अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमज़ा और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक मूवी का पोस्टर किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। सो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया जिसमें मुझे एक कोरियन मूवी है और आई थिंक मूवी है, अच्छा तो इस मूवी का मुझे डिज़ाइन करना है पोस्टर्स, ठीक है, और सामने एग्जांपल्स देनी है क्लाइंट्स को। तो आज मैं आप लोगों को, मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ बेसिकली, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह के डिज़ाइंस किए हैं और उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि क्रिएट किस तरह हुए हैं और क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली आप लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ ये होगी, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर आपके पास कोई इस तरह का क्लाइंट आता है तो आप उसको किस तरह एक पोस्टर डिज़ाइन करके दे सकते हो या किस तरह का वो डिमांड करता है या मतलब किस तरह के डिज़ाइंस आप लोग क्रिएट कर सकते हो उसके लिए। तो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 एग्जांपल्स हैं आपके लिए और हम उन पर आज बात करेंगे कि किस तरह क्रिएट हुए हैं और किस तरह आप लोग अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो ट्रेलर आप लोगों ने मूवी का देखा होगा कि उसमें एक करेक्टर्स होते हैं और ओपेरा हाउस में एक होता है, तो ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट अपने पोस्टर्स देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पोस्टर्स हैं जो आज हम लोग जिस पर डिस्कस करेंगे वो किस तरह क्रिएट हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास ये वाला एक पोस्टर आ रहा है, ठीक है, तो ये इसकी लेयर्स हैं, तो हम इन पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह क्रिएट हुई है, ठीक है, और देन आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पे। ओके, अच्छा ये जो फर्स्ट वाला पोस्टर था ये ऑलरेडी बना हुआ था, ये इन्होंने हमें PSD की फ़ाइल सेंड की थी और हमें जो पोस्टर बनाना था, डिज़ाइन करना था, वो ये इस तरह था कि हमें कंट्रीज़ के नाम जो थे वो शो करवाने थे कि किस किस कंट्री में कब कब लॉन्च होगा, ठीक है, तो हमें इस चीज़ का पोस्टर बनाने थे। तो मैं आपको सबसे पहले पोस्टर दिखा देता हूँ, तो एक ये पोस्टर था और फिर हमारे पास एक ये वाला आ जाता है, ठीक है, एक ये पोस्टर हमने खुद डिज़ाइन किया है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इमेज हमारे पास क्रिएट हुई है ये हमने किस तरह बनाई है। और फिर हमारे पास ये आ जाता है सेकंड पे, ये वाला पोस्टर आ जाता है, थर्ड पे हमारे पास ये वाला डिज़ाइन आ जाता है, ठीक है, और फोर्थ पे मेरे पास आ जाता है ये वाला डिज़ाइन आ जाता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये हमारे पास आ जाता है 5, ठीक है, टोटल हमारे पास 5 डिज़ाइन है। तो आज हम इन पर डिस्कस करते हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ कौन सी है जो मैं इनके अंदर यूज़ करूँगा। तो पिक्चर्स मेरे पास डाउनलोडेड भी पड़ी हुई है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ पिक्चर्स। ये मेरे पास पिक्चर्स थी, ठीक है, और पिक्चर्स भी मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ मेरे पास कौन कौन सी पिक्चर्स थी। और ये देखिए, ये हमारे पास पिक्चर्स थी। तो अब हम देखते हैं पोस्टर की तरफ आते हैं और देखते हैं हमने पोस्टर ये किस तरह डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले देखिएगा, उन्होंने मुझे ये वाला पोस्टर सेंड किया हुआ था, तो इस पोस्टर को मैंने इस पर कन्वर्ट किया सबसे पहले। ये तो बेसिक से सिंपल का था, वो उन्होंने मुझे बनाकर भेजा हुआ था, मैंने उसी को एडिट करके ये बनाया। ये किस तरह बनाए, ये इस तरह बनाए कि सीखे, सबसे पहले मैं आपको लेयर्स जो है वो हाइड कर करके दिखाता हूँ और देन इससे हमें आइडिया होगा कि हमने क्या क्या किया था इसमें। ओके, तो ये भी हम लोग बंद करते हैं सब। तो सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड आ रहा है, तो बैकग्राउंड के ऊपर क्या किया है मैंने, एक पिक्चर यहाँ पर ये वाली मैंने यहाँ पर इस तरह रखी है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक शेड है जिसको मैंने ओपेसिटी दे दी 70%, ठीक है, तो ये मैं इसको बाद में दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये मेन बैकग्राउंड पे ये पिक्चर आ रही थी, ठीक है, ये देखिए ये नीचे है और ये जो पिक्चर आ रही है ये यहीं से मैंने इनको यहाँ से ली थी पिक्चर और यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने सेकंड पिक्चर यहाँ पर लगाई और यहाँ लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने किया मास्क। मास्क मैंने क्या किया कि ये जब मास्क मैं इसको हटाता हूँ, अगर मैं आपको डिलीट करके दिखाऊं तो ये देखिए ये पिक्चर जो थी इस लैम्प को जो है वो हाइड कर रही थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मास्क ऐड किया था। और मास्क किस तरह ऐड करते हैं, यहाँ से मास्क ऐड करते हैं और बी
यहाँ से मास्क ऐड हो जाता है। जैसे ये देखिए मैंने इसके ऊपर एक और मास्क ले लिया है, तो इसको डिलीट करना हो तो मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, डिलीट हो जाएगा। और इस मास्क को अच्छा, तो मास्क पे आने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर्स आ जाते हैं। आप एक्स दबाकर भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं और बी दबाकर ब्रश ले सकते हैं। ब्रश को यहाँ पर आपने डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पर हार्ड ब्रश ले सकते हैं, सॉफ्ट ले, मैंने सॉफ्ट लिया था। और सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद यहाँ पर इसका जो फ्लो है, फ्लो मैंने कर दिया बहुत कम, माइनर सा। और देन मैंने इसके ऊपर ब्रश, अगर देखिए हमारे पास मास्क आ रहा है वाइट कलर में तो हम इस पर ब्लैक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। जो ब्लैक एरिया होता है वो हमें हाइड करते हैं, जो वाइट होता है वो हमें शो करता है, ठीक है। तो वो ब्लैक एरिया था तो मैंने वाइट था यहाँ पर, तो मैंने ब्लैक लेकर इस इमेज पे, इस वाली इमेज पे मैंने इसको हाइड कर दिया यहाँ से, तो ये मुझे बैकग्राउंड शो होने लगा। तो ये सिंपल था मास्क, इस तरह यूज़ होता है। तो आगे भी हम मास्क को यूज़ करेंगे तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो करके होंगे कि मास्क हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा था, ये टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास टेक्स्ट का फॉन्ट है, ठीक है। तो ये नाम आप नोट करके गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा अगर आप इसी तरह का चाहते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट था। तो ये जो नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहे हैं सेम वही यूज़ हुए हैं, और ये जो रेड कलर में फॉन्ट यूज़ हो रहा है इसका नाम भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये दूसरा फॉन्ट है और इसका नाम है RWY, ठीक है। तो ये सिग्नेचर्स के लिए कुछ इस तरह का फॉन्ट यूज़ होता है, ओके। और देन हमारे पास यहाँ पर आगे वाले जो हमारे ये चार सेक्शंस हैं ये आ जाते हैं। अच्छा, अब जो इसके नीचे ये काफ़ी देखेंगे होंगे आपको कि यहाँ पर जो हमें शो कर रहा है पीछे बैकग्राउंड जो है ना इमेज, वो हमें ज़्यादा परमानेंट शो कर रहा है और टेक्स्ट हमसे रीड नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लैक कलर का फेड लगाया था ताकि हमें ये टेक्स्ट अच्छे से नज़र आए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है हमारा नेम। तो ये नेम का जो लोगो है, समझ लें आप इसको नेम को लोगो ही समझ लें, और लोगो जो था हमें पिक्चर्स की सूरत में दिया हुआ था और वो है ये। तो जो नाम था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो देन हमारे पास ये जो दो टेक्स्ट आ रहे हैं ये आ रहे थे यहाँ लास्ट में फुटर के अंदर, और फिर जो लाइन थी हमारी सेंटर्स में वो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन लगा दी। स्ट्रेट लाइन किस तरह लगाई है मैंने, वो कुछ इस तरह लगाई है, ये देखें, शेप्स के अंदर जाकर, शेप्स के अंदर जाकर यहाँ पर लाइन्स टूल को लेकर लाइन्स लगा दी। और जो उनका स्टॉक था और फिल स्टॉक था वो मैंने वाइट कलर में कर दिया, जिसकी वजह से ही मुझे यहाँ वाइट शो हो रही है। तो ये सिंपल सा हमारा एक पोस्टर था जिसे हमने रेडी किया, तो ये आप लोगों के सामने है। तो ये थोड़ा सिमिलर था इसके ओरिजिनल पोस्टर से, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो ये बेसिकली इमेज जो थी ये किस तरह क्रिएट हुई है, ये सब कुछ किस तरह क्रिएट हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो इसमें भी मैं सबसे पहले सब कुछ हाइड कर दूँगा, ये दो तो यूज़ नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो सारा टेक्स्ट आ रहा है, जो कुछ आ रहा है, इसको मैं भी हाइड कर देता हूँ और देन आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने किस तरह क्या चीज़ की है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड जैसे आता है प्लेन, इसका जो साइज़ है वो है 4028x5740। तो ये काफ़ी हाई साइज़ है, तो आप अपनी मर्ज़ी का A4 साइज़ बना सकते हैं या क्लाइंट ने जो आपको साइज़ दिया उस साइज़ पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा कलर ओवरले। कलर ओवरले आपको यहाँ से ले देते हैं सॉलिड कलर, इस पर क्लिक करूँगा तो आप कोई भी कलर चूज़ करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने वही कलर यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। इस कलर का कोड जो है वो है ये 141333। तो इसको मैं सबसे पहले इस कलर को बैकग्राउंड मैंने अपना ये चूज़ किया, तो थीम से कुछ मिलता जुलता था, डार्क थीम था तो मैंने इसलिए इसको ये वाला यूज़ किया। और देन इसमें क्या आएगा हमारे पास आ जाता है ये। अच्छा, ये क्या है, ये मैंने इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड की थी ब्लड की, आप सर्च करेंगे ब्लड PNG तो आपको गूगल पे काफ़ी सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाली चूज़ की है। इसके साइड पे मैंने मास्क लिया, एक मास्क लेकर जो कुछ इसके, अगर मैं आपको डिलीट करके दिखाऊँ तो ये देखिएगा काफ़ी सारे निशान थे, तो ये मैं नहीं चाहता था, मुझे सिर्फ इस तरह सर्कुलर में चाहिए था कुछ इस तरह का। तो ये मैंने मास्क लिया इसके ऊपर, और मास्क लेने के बाद मैंने ब्रश किया ब्लैक कलर का, और ब्रश में मैंने जो फ्लो था वो इसका काफ़ी लाइट रखा ताकि जो हमारे ये साइड से देख रहे होंगे आप इफेक्ट, तो इस तरह में कुछ शो करवाने के लिए मैंने काफ़ी लाइट्स और ब्रश लिया। अच्छा, देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास दो इमेजेस।
तो ये जो दो इमेजेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, ये मैंने किस तरह बनाई, ये मैंने बनाई मोबाइल ऐप के थ्रू, एक ऐप के थ्रू। आप लोग इसको फोटोशॉप में भी क्रिएट कर सकते हैं, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर चला जाता है। तो मैंने सिंपल एआई का यूज़ करके मोबाइल ऐप में ये बना लिया। मैं उस ऐप का लिंक और स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आपको शो करवा रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो उस लिंक से जाके मैंने ये पिक्चर्स क्रिएट की, ठीक है। अब ये किस तरह की क्रिएट होकर आई थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पिक्चर्स जो हैं मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, एक ये पिक्चर थी और एक ये पिक्चर थी मेरे पास। मेरे पास ये दो पिक्चर्स थी, ठीक है, एक ये और एक ये। इन दोनों को मैंने कटिंग करके, इसका बैकग्राउंड रिमूव करके, तो देन इसमें मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया था। एक ये आ गई और एक ये आ गई, ठीक है। तो इन दोनों को लाने के बाद ये ब्लैक कलर का जो शेड है, ये मैंने इन पिक्चर्स के ऊपर, इस सब के ऊपर लगाया था, ठीक है, और रिमूव किया था हाइड करने के लिए, आप समझ लें बेशक। तो इस सबको मैंने ब्लैक कलर का इसके ऊपर ड्रा किया और इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया कि ये पिक्चर है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मेरे पास ये अपना लोगो, ठीक है। तो ये मैं उठाकर यहाँ पर भी आप सिंपल लेके आया हूँ, और ये मेरे पास यहाँ पर लोगो आ गया इसका, और देन मेरे पास आ रहा है टैक्स। अच्छा, टैक्स के ऊपर जो इस तरह का आप शेड देख रहे थे, ये मैंने इस तरह किया था, एक बॉक्स लिया था, एक न्यू लेयर ली, और उस न्यू लेयर को मैंने एक बॉक्स करके ग्रेडियंट दे दिया। ग्रेडियंट किस तरह देते हैं, ये आपके पास फोरग्राउंड कलर आ रहा है, ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है, दोनों में आप कलर सेलेक्ट कर लें, देन ग्रेडियंट में जाकर आप अपना ग्रेडियंट इस तरह ट्रैक करके दे सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट मैंने इस लेयर पर आके दिया और उसको इस टेक्स्ट के अंदर कर दिया। टेक्स्ट के अंदर हम लोग किस तरह करते हैं कि इस दोनों लेयर्स को, इसको लेयर को ऊपर हमेशा ऊपर रखेंगे। जो ग्रेडियंट वाली लेयर होगी, जो हमने इमेज या कोई हमारे पास कलर है जो हमने टेक्स्ट के ऊपर डालना है, जो भी डिज़ाइन है जो टेक्स्ट के ऊपर डालना है, उसको हमेशा टेक्स्ट के ऊपर रखेंगे। और ऊपर रखने के बाद इन दोनों लेयर के सेंटर में अगर मैं आर्ट दबा कर आता हूं, तो ये देखिए क्रॉस का निशाना भी बना हुआ आ रहा है। सिंपल समझ लें, ये हमारे पास पिक्चर थी, और अब मैं आर्ट दबा कर इसको अगर इस इमेज के अंदर करता हूं, तो ये इस तरह का शो करती है। तो बाकी का जो एरिया था वो मैं अगर रिमूव करना चाहता था, तो वो मैंने मास्क लेकर सिंपल ब्रश के थ्रू उसको रिमूव कर दिया कि मुझे पीछे वाला वाइट दिख जाए और इतने से पे रेड आ जाए। तो ये इस तरह मैंने बनाया था। फिर नीचे हमारे पास आ जाता है सिंपल टैक्स, ठीक है। टैक्स में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ पर सारी कंट्रीज़ के नेम लगा दिए हैं, और इसका जो अभी भी है लाइन हाइट वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, अब कुछ बेहतर लग रही है। ओके, तो ये जो मई बीच में लिखा हुआ है, इसको मैंने फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया था, वो इस तरह कि मैं सिर्फ मई को सेलेक्ट करता हूँ, और उसका फॉन्ट अगर आप देखें 90 है और इसका 16 है। अच्छा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो पोस्टर था वो हमारा कुछ इस तरह बना था, सिंपल, ठीक है। और इस ऐप का लिंक आप लोग पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं आप लोग सेकेंड के ऊपर। अच्छा, ये किस तरह डिज़ाइन हुआ था, ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक बैकग्राउंड लिया ब्लैक कलर में, और उसके ऊपर आ गई मेरे पास ये वाली इमेज, ठीक है। इमेज के ऊपर मैंने लगाया ब्लैक एंड वाइट का कलर। ब्लैक एंड वाइट कैसे लगाते हैं, पिक्चर को सेलेक्ट करो जिस पे लगाना है, उसके ऊपर खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे, इधर आएँ और यहाँ पर सेलेक्ट करें ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कोई भी कलर ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये होगी हमारे पास इमेज, और ये हो गया हमारे पास बैकग्राउंड। अब आ जाता है हमारे पास टैक्स। ओके, अच्छा, अब ये जो यहाँ पर डिज़ाइन आप लोग देख रहे थे, पहले मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। ये देखें, अच्छा ये देखें, ये मेरे पास डिज़ाइन था। इस पूरे लेयर को हमने ये ब्रश के थ्रू, आप इस तरह का ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हैं, और एक ही लेयर पर आप लोग इस तरह ब्रश करेंगे तो ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो डिज़ाइन बनाने के बाद उसको मैंने कलर दे दिया रेड, और नीचे मैंने क्या कर दी, इमेज लगा दी, इमेज ये वाली। ये इसको अगर मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, तो देन इसको डबल क्लिक करके
मैं एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद इमेज प्लेस की, तो ये यहाँ पर इमेज इसके बैकग्राउंड पे आ जाएगी और जो उसका कलर है वो ये इसके ऊपर दिया हुआ, ये सिंपल है ठीक है। अगर कहते हैं तो मैं आपको ये बनाकर भी दिखा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ छोटा सा साइज पकड़ता हूँ, एक ब्रश लिया मैंने और ब्रश में चलें यही ब्रश ले लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए, आप बाद में इसको ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास डिज़ाइन है, इसको मैं जो है फ्लो इसका 100% कर देता हूँ। कलर जो है वो मैं रेड ही चूज़ कर ले, ब्लैक ले लेता हूँ, चाहे कोई भी ले सकते हैं। तो ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके अंदर पिक्चर लगानी है, थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेता हूँ ये लो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसके अंदर पिक्चर लगानी है ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर पे ली। अच्छा अब इसके ऊपर पिक्चर लगाने के लिए सबसे पहले हमने कलर ओवर ले लिया था, जो इसका कलर कर रहा था रेड और ये आ गया रेड। और देन इसके ऊपर मैं एक इमेज ले आता हूँ, प्लेस इमेज, और इमेज जो है मेरे पास ये आ गई इमेज, और इसको ले आऊँगा इस डिज़ाइन के ऊपर, ये आ गई इसके अंदर, और इसका जो है वो दे देता हूँ ये जो है हमें बनाना था एक न्यू लेयर के ऊपर, ये बैकग्राउंड लेयर थी, हमें इसको न्यू लेयर के ऊपर बनाना था। चलो अच्छा अब लेकर आएंगे पिक्चर को, पिक्चर आ गई। अब आल्ट दबाकर इसको इसके नीचे ऐड, ये देखें ये इस डिज़ाइन के अंदर आ गई। अब वो रेड कलर के लिए हमने क्या किया था, सॉलिड रेड कलर ले लेंगे और इसकी ओपेसिटी अगर मैं कम करूँ, ये भी हम इसी के अंदर करेंगे ना, इसके अंदर या तो इसकी ओपेसिटी कम करेंगे या ये देखिए मोड कोई भी चूज़ करके उसके अंदर हम लोग एडजस्ट कर देंगे ये ले ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये किस तरह यहाँ पर डिज़ाइन हुआ होगा, सिंपल था बिल्कुल। तो यहाँ पर ये आ गया, देन हमने क्या किया हमारे पास लोगो आ जाएगा, और लोगो है हमारे पास ये डिज़ाइन है, एक सिंपल स्क्वायर लिया हुआ है तो आप भी स्क्वायर बना लीजिएगा इसमें तो कुछ, और ये इसका लेंस वर्टिकली में यहाँ पर ये टैक्स आ गया, और फिर यहाँ पर सिंपल हमारे पास टैक्स और ये आ जाएगा। तो ये भी हमारा पोस्टर यहाँ पर रेडी हो गया। ओके तो ये भी सिंपल था, रेडी हो गया, ब्लैक एंड वाइट सब कुछ पता चल गया इसमें अभी आपको। अब आ जाते हैं इस पोस्टर के ऊपर, और ये हमने किस तरह क्रिएट किया है। इसमें भी मैं पहले सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ओके सो सब कुछ मैंने हाइड करता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि ये किस तरह डिज़ाइन हुआ है। ओके सबसे पहले मेरे पास एक बैकग्राउंड आया, और बैकग्राउंड के ऊपर मैंने कलर दिया ब्लैक, ब्लैक कलर मेरे पास बैकग्राउंड के ऊपर आ गया। और देन मैंने एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के अंदर क्या है कि मेरे पास ये डिज़ाइन आ रहा है। ये डिज़ाइन किस तरह क्रिएट किया, सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगुलर ठीक है शेप से लेकर रेक्टेंगुलर क्रिएट किया, और उसको डबल क्लिक अगर मैं यहाँ पर करता हूँ लेयर के ऊपर, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ग्रेडियंस में जाता हूँ तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऐड कर सकता हूँ। ग्रेडियंट किस तरह ऐड किया मैंने, इस पर चेक किया ग्रेडियंट ऐड हो गया। अब इस लेयर जहाँ पर ग्रेडियंट कलर शो हो रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास कलर्स आ जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करूँगा कलर पे और नीचे कलर की ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करके मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, और यहाँ पर कोई भी क्लिक करके यहाँ पर कलर दे सकता हूँ, और देने के बाद ओके करूँगा यहाँ पर ग्रेडियंट कलर आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट आ जाएगा, इसी ग्रेडियंट को मैंने कॉपी किया और एक और इसके साथ मैंने जो है वो छोटी सी यहाँ पर बना दी सेम डिफरेंस के अंदर। ओके सेम इसी तरह देन मैंने इसको कॉपी किया एग्जैक्ट इस ग्रुप को,
और इस ग्रुप के साथ, तो ये मेरे पास दोनों साइड इसके यहाँ पर बनकर आ जाएंगे। ओके, ये दोनों साइड पे मेरे पास बने हुए आ गए। अब आ जाती है बारी इस बंदे की कि इसको कैसे लेकर आएँ। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, ग्रुप वन ये है और ग्रुप टू ये है। क्या एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। अब पिक्चर को क्या करना था, पिक्चर को हमें लेकर आना था यहाँ पर, और इसके ऊपर लाना था और इसके नीचे लाना था। तो इसलिए इसको मैंने सेंटर में रखा, ग्रुप वन ऊपर ले आया और उसको नीचे ले आया। तो लेयर्स हमारी आपको पता है काम किस तरह करती हैं, लेयर्स के ऊपर लेयर्स होती है, तो इस तरह काम कर रही हैं। और इस पिक्चर में से जो सा हिस्सा मुझे नहीं चाहिए था नीचे से मैंने रिमूव करना था, साइडों से रिमूव करना था, तो वो मैंने मास्क लगा कर ब्रश, ब्लैक ब्रश ड्रॉ कर दिया। तो वो इतना हिस्सा मेरे पास वहाँ से रिमूव हो गया। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया ब्लैक एंड वाइट। सिंपल, कहाँ से, यहाँ से आया, ब्लैक एंड वाइट क्लिक किया, अपनी मर्ज़ी का ब्लैक एंड वाइट चूज़ किया और यहाँ पर ऐड कर दिया। इतना करने के बाद देन यहाँ पर मैंने उसका जो ब्रांड का उनका मूवी का नेम है वो आ जाएगा। फिर सिंपल टैक्स ऐड करेंगे और हमारा पोस्टर तैयार। टैक्स यहाँ पर देखिए ऊपर आ रहा है एक, और यहाँ पे ये नीचे आ रहा है। तो कुछ मुश्किल नहीं था इसमें भी, सिंपल था हमारा, ठीक है। और ये भी पोस्टर हमारे पास रेडी हो गया। फ़ॉन्ट इसमें वही वाला यूज़ हुआ है जो सब में पीछे यूज़ हुआ है, क्योंकि जो मूवी का थीम था उसमें फ़ॉन्ट कुछ इसी तरह का चाहिए था। अच्छा, अब आ जाती है बारी इसकी जो कि है हमारा पास लास्ट पोस्टर। तो ये किस तरह डिज़ाइन हुआ है, ये हमारे पास कुछ इस तरह डिज़ाइन हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें की थी मैं पहले उनको डिलीट करता हूँ। ओके ओके, तो ये वाला इसमें टोटली हमारे पास मास्क यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से हमें पिछली पिक्चर और नीचे वाली पिक्चर शो हुई है। तो मैं एक बार ही सबको रिमूव करता हूँ और देन आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास आ गया ब्लैक पोस्टर, ठीक है, ब्लैंक कुछ भी नहीं है अभी। इसके ऊपर मैंने कलर ओवरले किया, सिंपल कलर ओवरले आपको बताया हुआ यहाँ से आ जाता है सॉलिड कलर से। और कलर मैंने डार्क इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि इन पिक्चर्स का जो बैकग्राउंड है, जैसे ये पिक्चर है इसका बैकग्राउंड जो है यहाँ पे देखिए उसी कलर का, इसलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि मुझे उसमें रिमूव करना था बाद में। अच्छा, इसके ऊपर देखें, सबसे पहले मैं पिक्चर को लेकर आया हूँ इसके ऊपर, ठीक है, इस पिक्चर के ऊपर ले गए हूँ। अगर आप इस पिक्चर पे क्लिक करके, मैंने क्या किया, इसकी जो ओपेसिटी वो 50% कर दी, कम कर दी। देन मैंने क्या किया, मैं एक और पिक्चर लेकर आया ये वाली, और ये इसके ऊपर बिल्कुल लेकर आया और इसकी ओपेसिटी भी जो है वो मैंने कर दी 50%। देन उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का जो आप निशान देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए लाइंस को, ये देखिए यहाँ पर भी आपको बॉर्डर शो हो रहा है कि भाई यहाँ पर ये पिक्चर ख़त्म हो रही है और यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है, तो वो शो कर रहा है। तो मैं नहीं दिखाना चाहता कि पिक्चर कहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं लग रहा। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का ब्रश लेकर एक न्यू लेयर इसके ऊपर लेकर इसके ऊपर ड्रा कर दिया, ताकि लाइन महसूस ना हो कि यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मेन इमेज, जो कि मैं सबसे पहले लेकर आया था इस साइड पर। इस साइड पर पिक्चर लेकर आया और इसके ऊपर मास्क किया, इस साइड से मैंने कर दिया सारा ब्लैक ड्रा कर दिया, ताकि वो जो पीछे वाली दो पिक्चर्स थी वो थोड़ी सी मुझे दिखने लग जाए और वो एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाए। तो ये भी हमारे पास सिंपल था, यहाँ से देखिए ब्लैक किया हुआ है, नीचे वो पिक्चर आ रही है और यहाँ पे ये आ रही है। जितना एरिया यहाँ पे मैंने ब्लैक किया हुआ है वो मुझे पीछे से शो करवा रहा है, क्योंकि इस इमेज पे मैंने ब्लैक किया है। तो इसका मतलब है ब्लैक एरिया क्या होता है, हाइड कर देते हैं। तो इस इमेज पे से जो जो हिस्सा यहाँ पर आ रहा था वो ब्लैक हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पर आ गया मेरे पास नेम सिंपल, और यहाँ पर आ गया मेरे पास ये ऊपर टाइटल आ गया, और यह नीचे मेरे पास कंट्री के नेम, और ये रिलीजिंग डेट। तो ये हमारे पास पोस्टर ये भी क्रिएट। तो कुछ इसमें डिफरेंस मुश्किल नहीं था, ये पोस्टर ही सिंपल था, और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। वो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।